भारत का पहला ट्रेन के बोगी वाला स्कूल आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए एक बार जरूर। सर लोग अपने देखिए किस तरह से ये आओ थोड़ा सा नजदीक आकर दिखाइए, इसको थोड़ा सा नजदीक आकर दिखाइए और देखिए यहाँ पे कितने लोग मेहनत करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ डेली कर सकते हैं, मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ये शिक्षक लोग ये कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ ड्यूटी करना है। अभी मैं रोहतास के मध्य विद्यालय पतलुका तिलौथू में हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह के मॉर्निंग स्कूल है। अभी यहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे और गर्मी की छुट्टी चल रही है यहाँ पे, और फिर भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि मैंने देखा है फेसबुक पोस्ट में देखा मैंने, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से क्लास की व्यवस्था कराई गई है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चे लोग लाइन में लगे हुए हैं स्कूल में जाने के लिए। सर लोग मतलब इन लोगों का जो टाइमिंग है वो लोग सर लोग एकदम बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं यहाँ पे। आप लोग डेली पढ़ने आते हो ना? डेली पढ़ने आते हो ना? चलिए सर देखिए इधर से दिखाइए सर लोग का। देखिए सर आ रहे हैं, दिखाइए इधर से, दिखाइए सर को दिखाइए। और इधर सर आ रहे हैं, थोड़ा सा गेट को खोल दिया जाए यहाँ से और सर लोग जाएंगे अपना। देखिए बारी बारी से सर लोग सब आ रहे हैं यहाँ पे, उधर दिखाइए थोड़ा सा सर को, सर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग में इतनी सभ्यता है यहाँ पे कि लाइन में लगे हुए हैं और सभी बच्चे लोग लाइन में अंदर लाइन से अंदर जाएंगे। यहाँ पे इतनी अच्छा शिक्षा दी जाती है यहाँ पे बच्चों को। और मैं चाहूँगा फिर से कि एक बार दिखाया जाए, फिर से इन बच्चों को दिखाया जाए जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। आप लोग डेली पढ़ने आते हो ना? जी सर। यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है ना? जी सर। चलिए यहाँ पे बच्चों लोगों को भी पता है कि पढ़ाई अच्छी होती है। मैं सभी जगह स्कूल में जब जाता हूँ तो ये पूछता हूँ कि बच्चे लोग पढ़ाई अच्छा से होता है या नहीं, तो लोग ये बता नहीं पाते हैं कि मेरे यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, दिखाने का भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर के जो सर लोग हैं यहाँ पे शौचालय खुद से साफ करते हैं, सबसे बड़ी मिसाल पेश की है इन्होंने, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर खुद से इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मैं टाइमिंग की बात करूँ अभी 6:30 बजने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सर लोग अपने देखिए किस तरह से ये आओ थोड़ा सा नजदीक आकर दिखाइए, इसको थोड़ा सा नजदीक आकर दिखाइए और देखिए यहाँ पे कितने लोग मेहनत करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ डेली का सिस्टम ये लोग का जो है डेली का यही सिस्टम है कि अपने से खुद से बच्चों लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी और गर्मी की छुट्टी चल रही है यहाँ पे, फिर भी बच्चे लोग जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सर कितना मेहनत करते हैं, सर पसीने से तर बतर हुए हुए हैं फिर भी मेहनत इतना कर रहे हैं, और तभी इनका स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। आज बिहार में पूरा देखा जा रहा है इनके स्कूल को कि कितना अच्छा से लोग काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं सभी शिक्षकों का बहुत सम्मान करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ये शिक्षक लोग ये कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ ड्यूटी करना है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक समझिए, तो चाहे जो समझिए मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं दिखा रहा हूँ शौचालय है चारों तरफ, और इतने अच्छे ढंग के शौचालय आपको बिहार में कहीं नहीं मिलेगा, मेरा ये दावा है। और यहाँ पर जो इन्होंने कोशिश किया है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का जो बाथरूम है यहाँ पे बालक बालिकाएँ के लिए, और देख सकते हैं बिल्कुल टाइल्स लगा हुआ है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम स्वच्छ है यहाँ पे। मैं पूरी चीज़ यहाँ की दिखाने का आपको कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो नल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हमें और देखने को मिला, ये जो नल बनाया गया है बड़े बड़े बच्चों के लिए नल बनाया गया है जो कि बच्चों लोग को आराम से पहुँच जाए हाथ। और ये जो छोटा सा नल बनाया गया है इसमें भी काम अधूरा रह गया, इसमें टाइल्स लगना बाकी है, इसमें टाइल्स लगेंगे। ये जो बच्चे हैं जो पहले दूसरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये नल चालू किया गया है ताकि उनको कोई परेशानी नहीं होगा। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा ऐसे ऐसे टीचर लोगों का कि इतनी मेहनत कर करके इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं स्कूल में। और स्कूल की बात करूँ मैं तो इतने अच्छे व्यवस्था यहाँ पे है, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि कुछ इसके बारे में विशेष मैं तो नहीं कह सकता हूँ, खुद आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब के सब नल चालू है यहाँ पे। और आने वाले भविष्य में मैं बात करूँ इस विद्यालय की, तो ये विद्यालय भविष्य में लगता है हमें कि केंद्र में चयन किया जाएगा इसको, सेंट्रल में। तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं सभी नल यहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है, मैं व्यवस्था देखकर दंग रह गया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हर चीज़ को कुछ बारीकी से यहाँ पे दिखाया गया है और सर लोग इतने मेहनत करते हैं यहाँ पे, यहाँ के जो हेडमास्टर हैं यहाँ पे जो शिक्षक हैं सभी लोग तत्परता इतनी दिखाते हैं जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। एक चीज़ और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से, सर यहाँ से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे आप। यहाँ देखिए एक जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए एक टॉयलेट बनाया गया है और बिल्कुल एकदम नेट एंड क्लीन है, आप कभी भी आ सकते हैं इसमें बैठ के आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम। देखिए यहाँ पे और बिल्कुल फ्लैश व्लैश सब कुछ चलता है इसमें, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और
मैं दिखाने को यहाँ जो ये गेट बना है, ये देखिए गेट, गेट का साइज इसका बड़ा किया गया, इसलिए बड़ा किया गया है ताकि लोग व्हील चेयर से आकर के इसमें, अगर वहाँ से कोई बच्चे अगर व्हील चेयर से आते हैं तो उसमें से आकर के डायरेक्ट इसमें जा सकेंगे, इतनी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। बाकी बाद में वीडियो आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह एक ऐसा स्कूल है जहाँ की स्कूल का जो रूप है ट्रेन के बोगी की माफिक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्कूल है, बच्चे देखिए किस तरह से ट्रेन में से निकल करके टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और इन लोग को इतना मज़ा आता है यहाँ पे पढ़ने में, ये खेल खेल में लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे बच्चे लोग। आप देख सकते हैं कितना मस्ती करते हुए बच्चे हैं यहाँ पे। मैं आपको पूरी वीडियो यहाँ का दिखाने की कोशिश करता हूँ। और हमें लगता है ऐसा कि बिहार में ऐसा पहला स्कूल है जो इस तरह से बनाया गया है, इतना विशाल भव्य रूप दिया गया है इस स्कूल को। और बिहार में यह चौथा स्थान इस स्कूल का है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लगातार आपको वीडियो इस दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि स्कूल में ऐसा व्यवस्था है यहाँ पे जो व्यवस्था हर स्कूल को होना चाहिए। और इसमें मुख्य भूमिका में यहाँ के जो हेड सर होते हैं उनकी मुख्य भूमिका रहती है, जो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि इस स्कूल में बढ़िया से बढ़िया सब कुछ हो सके। मैं बाकी वीडियो सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले इस ट्रेन के डब्बे को आप देखिए, बच्चे को मैं फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए कितने मस्ती से खेलते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। और पढ़ाई के मामले में इतनी अच्छी पढ़ाई यहाँ होती है कि कुछ कह नहीं सकता, निःशब्द हूँ कहने के लिए। और मैं आपको वो हर चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ का जो इस स्कूल से पूरी जुड़ी हुई है। यहाँ के शिक्षा भी मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ का स्वच्छता भी दिखाने वाला हूँ जो कि देखने लायक है। और मैं एक चीज़ अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो ये खेल का मैदान है, यहीं पे प्रे होता है। ये जो देखिए देख रहे हैं बाउंड्री, इस पर ट्रेन का डब्बा जिसे लगता लग रहा है जैसे राजधानी एक्सप्रेस जो आती है उस तरह का इसका जो लुक दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत लुक दिया गया है यहाँ से इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्कूल के ग्राउंड में इतने सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं कि और इस स्कूल की यह भी खासियत है कि इसका ग्राउंड जो है सब बहुत बड़ा है। और बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई हैं बहुत सुपर, एकदम बोले तो बहुत सुपर व्यवस्था यहाँ का है। और मैं आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ एक अलग पहचान है इस स्कूल का। अब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मध्य विद्यालय पतलुका तिलौथू रोहतास का है और बिहार में यह स्कूल है। जिले के मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी पर यह स्कूल है। और यहाँ से देखिए, मैं अब यहाँ से फिर से मैं शौचालय दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर से नल जल योजना है, जो नल का पानी जो यहाँ पे है ये सरकारी स्कूल का है, ये बाहर का नहीं है नल जल, ये अपना नल जल योजना है स्कूल का। और मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार मैं मेरे वीडियो में आप बन रहिएगा, इससे भी बेहतरीन आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि लोगों को मोटिवेट हो कि हमारे स्कूल में भी ऐसा होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चियाँ पानी भर रही। और मैं अब आपको यहाँ का जो ऑफिस है वहाँ लेकर चलता हूँ और मैं आपको पूरा ऑफिस दिखाने का कोशिश करूँगा यहाँ से। और यहाँ का देखिए ये जो स्कूल का जो प्रांगण है, ये मेन मुख्य द्वार का प्रांगण है। और मैं अब यहाँ से आपको ऑफिस जो है, यहाँ का ऑफिस जो है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। और यहाँ से देख सकते हैं मैं अब ऑफिस के अंदर इन कर रहा हूँ और ऑफिस के अंदर आप इतनी सारी सुविधाएं देख सकते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि देखिए ये जो सम्मान दिया गया है इनको हेडमास्टर साहब को, वो सम्मान है जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने इन्हें दिया था। और यहाँ के जो ये कार्यालय है, मैं पूरा कार्यालय आपको दिखा रहा हूँ। और इसी तरह वीडियो मेरा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।